बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं मेयर सखर के ऑफिस में, और जिस तरह के आज मैंने ये पूरा भी विजिट किया, आपको भी दिखाता हूँ कोरोना का जिस तरह अब पूरा सूबा लॉकडाउन होने जा रहा है 15 दिन के लिए। तो अगर किसी के घर में कोई ऐसा अलामत नजर आती है खुदा ना खास्ता, तो वो क्या करेगा? सखर वालों के लिए तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जैसा कि इमरजेंसी सेल्स बन रहे हैं, तो अगर मेयर लेवल के लोग इस किस्म का काम करें तो मैं समझता हूँ। बैरिस्टर अरसलान शेख साहब और ये टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है कमाल फरीदी साहब। कमाल साहब, क्या है इसके अंदर, क्या फायदा होगा लोगों को सखर की? तो आपने इमरजेंसी कॉल सेंटर बनाया। देखिए, इमरजेंसी कॉल सेंटर के साथ हमने एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। इसका वजह बेसिक बुनियाद यह थी कि जरूरत शहर की जरूरत थी, और शहर को एक कम्युनिकेशन पॉइंट चाहिए था जहां से वो ऑनलाइन घर बैठे शिकायत रिपोर्ट करवा सकते। कैसे कैसे हम देखेंगे? कैसे? मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू। कॉल सेंटर आइए, चले आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। हम इस वक्त मेयर सखर के ऑफिस में, ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन अमल है ताकि लोगों में खौफ और हिलास कम हो, और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में वो कैसे रब्ता कर सकते हैं। ये कॉल सेंटर हमने सेटअप किया है जिसमें जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लेन आ रही है, जो वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन आ रही है, जो फोन के थ्रू कंप्लेन आ रही है, यहाँ पे एजेंट बैठे हैं 24 घंटे जो कि इनको सुन रहे हैं। smc.gov.pk हमारी वेबसाइट है, 777777 हमारा टोल फ्री नंबर है, यूएन नंबर है। अच्छा, ये क्या होगा प्रोसेस, मुझे कुछ समझाएं। अच्छा, ये भाई खाली बैठे हैं, मुझे बताइए आपके पास कोई कंप्लेन आ रही है तो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये हमारे पास जो कंप्लेन आ रही है ऑनलाइन कंप्लेन, ये टोटल आपके पास 14 कंप्लेन आ चुकी हैं, उसमें से 13 ओपन हुई हैं। बिल्कुल, एक हमारी जो इंटरनल हमारी डिपार्टमेंट की है वो रिजॉल्व हो चुकी है, इसलिए उनको क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा बकाया डिटेल है। डिटेल कौन सा? सुहेल जो है इनको असाइन किया हुआ है। अच्छा, ये हमारे डिपार्टमेंट है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट से। एक सखर का शहरी अगर आपसे राब्ता करेगा और वो आपके इस हेल्पलाइन पे फोन करेगा, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? 111777777। ठीक है, इसमें कॉल करेगा वो बताएगा। मैं आपको बताऊँ की ये सखर शहरी भी नहीं है, सबसे पहले हमने हंगामी बुनियादों पर इसको लॉन्च किया है। वो लॉन्च किया मेरे सखर चाहते थे कि इस तरीके से जो लेबर कॉलोनी में हमारे मेहमान हजरात आए हुए आइसोलेशन में मौजूद है, वो बाहर आकर अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं, उनको कोई एक्सेस चाहिए। वहां पर सबसे पहले इंटरनेट प्रोवाइड किया गया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, वेबसाइट लॉन्च की गई, और नंबर लॉन्च किया ताकि वहां पर कोई उनको इनके रूम में कोई प्रॉब्लम हो रही है वही बैठे बैठे वो कंप्लेन लॉन्च करें। और 12 घंटे जो भी सखर कोरोना आइसोलेशन सेंटर में लोग हैं, ये सबसे पहले तो उनके लिए काम का नंबर है, उसके बाद पूरे सखर। ठीक है, मैं अपील करूंगा पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद मेयर हजरात से कि तुम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो भाई, अगर तुम भी अपने अपने शहरों में सेंटर बना लो, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, तो लोगों के घर में अगर किसी को भी इस मुसीबत के बारे में कि भाई मेरे अंदर ये अलामत है, वो बिला झिझक फोन करेगा, उनको लोगों को बताया उसके अपने शहर का सेंटर बता देगा, उसको आगाह कर देगा, वो फौरन वहां पहुंचेगा, मुश्किल आसान होगी। बहुत शुक्रिया आपका और मेयर सखर का शुक्रिया, बहुत अच्छा कदम है सखर में, सब देख के बहुत खुशी होगी।